लोग महुआ थाना गांव फतेहपुर पकड़ी से आए हैं और यहां हम लोग माता गंगा के सेवा में आए हुए हैं। और जो लोग कुछ हवा बिहार होता है उसको इलाज देखभाल करते हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? हाँ, कितने दिन से यहां पे आ रहे हैं? हम यहां से लगभग 40 साल से आ रहे हैं। कौन कौन चीज़ों का इलाज करते हैं? देखिए ये लोग विज्ञानिक लोग तो मानते नहीं है, भूत प्रेत के लोकाचारी में होता है उसको हम लोग देखभाल करते हैं। किस तरह का भूतों का इलाज करते हैं आप? किस तरह के भूतों का इलाज करते हैं? अनहोनी चीज है, अनुमान से हम लोग इलाज करते हैं। अभी तक कितने लोग ठीक हुए होंगे आपके? लगभग 10,000 आदमी के जिससे हमने यहाँ से वो आ रहा बक्सर मुजफ्फरपुर पटना जाते हैं। अच्छा, कितने चेला होंगे आपके? लगभग 400। आज यहाँ पे आए हैं? चाहे आए हैं यहाँ लगभग 50 सिद्धि कराने आए हैं। अच्छा, महिला भी शामिल है? नहीं, महिला नहीं यहाँ शामिल है। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा के महिला लोग बात करते हैं तो वहाँ कुछ ढकोसला होता है तो हम लोग को ढकोसला करना पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा की पहली रात को आप लोग यहाँ पहुँचते हैं, क्या कुछ यहाँ का मान्यता है? यहाँ हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले जो पहुँचने कारण है जो हम लोग माता गंगा का सेवा करते हैं, हवन बड़ा घंटा चलाते हैं, सर मंगल मंगल शिवे सर्वाशाली गौरी नारायण माता का स्वागत करते हैं। अच्छा, कौन कौन से रोगों का इलाज होता है यहाँ? हार्ट की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बाबा प्यार जैसे होता है उसका इलाज होता है। भूत प्रेत के ही देखा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ सिंह कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर के प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। लगभग हम लोग पिछले 10 दिनों से तैयारी इसको लेकर के कर रहे थे, उसमें विभिन्न घाटों का भ्रमण किया गया, घाटों पर तैयारी की गई और आज फर्स्ट हाफ में हम लोग जितने भी डिप्टेशन हुए हैं मजिस्ट्रेट और फोर्स का उसका हम लोग ब्रीफिंग भी किए। उसके बाद आज व्यापक पैमाने पर हम लोग डिप्टेशन करके उस पर निगरानी रखे हैं। जो जिले का सबसे इम्पोर्टेंट घाट है कोल्हारा घाट, जिसका पौराणिक महत्व भी है, उसको लेकर के भी विशेष तौर पर हम लोग तैयारी किए थे और यहाँ पे विशेष तौर पर डिप्टेशन और अरेंजमेंट भी किए गए हैं। यहाँ पे कोल्हारा घाट में न केवल बिहार से ही बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग नहाने के लिए आते हैं, तो उसको उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जो डिप्टेशन किया गया है वो कई लेयर्स में हम लोग किए हैं, जिसमें कि ट्रैफिक अरेंजमेंट भी हम लोग किए हैं, जिससे कि जो स्नानार्थी आए हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसको लेकर के ट्रैफिक सेक्शन भी कुछ लगाए गए हैं। उसके अलावा हम लोग जो गंगा कंपनी है उसका डेप्टेशन किया गया है। जो फोर्स है लगभग हमको लगता है 1,000 के लगभग कॉन्स्टेबल्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, पदाधिकारी लगभग 450 के लगभग लगे हैं, तो व्यापक पैमाने पर हम लोग अरेंजमेंट किए हैं। 2 CCTV से भी निगरानी की जा रही है। सवाई दस्ता का भी डेप्टेशन किया गया है, बम निरोधक दस्ता और टीयर गैस यूनिट जो है उसका भी डिप्टेशन किया गया। तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास किए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्नान जो है वो भी प्रारंभ हो गया है, उम्मीद है कि आगे 2-3 घंटे में और उसमें भी में इजाफा होगा। उसके लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और प्रशासन अलर्ट। गंगा में साथ में डुबकी लगाना भी पवित्र है।
शरीर से उतरे हुए कपड़े को बिल्कुल गंगा में धोना पड़ा है बच्चे से, इस चीजों का ख्याल रखते हैं। मानव के भाव पर बचता हुआ ये गुलजार में होता हुआ भक्तिमय होता हुआ सोनारा गान हमारे मनुष्य नदी में ऐसी आने चुके जिला आपदा पर लगे थे, अपने नौका से अपने बोल से निरंतर शाम से ये आपके निगरानी में लगे हुए हैं। एक एक प्रशासन का व्यक्ति जो आपका सुरक्षा खंड यहाँ पर हासिल है बिल्कुल निरंतर लगा हुआ था, आपने भी यहाँ जवाब देंगे कि अपने सुरक्षा करके अलग जाएंगे तो जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे। आस्था का ये पावन दिन कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान का दिन शुरू होता है। स्नान करने के उपरांत आप भी अपनी लगाए डुबकी लगाने के उपरांत अविलंब बाहर चले आए हैं, ज्यादा गहराई में जाना जोखिम में खतरा है, इसलिए कृपया ज्यादा गहराई में जाना सख्त मना है। प्रशासन ने इसके लिए हिदायत दे रखा है और उसके लिए बैरिकेडिंग बना रखा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।